सभी किसान भाइयों का वीडियो में स्वागत है। भाइयों गन्ना देखा 38 है, 38 है भाई। इसमें टॉप बोरर भी है देखो, और भाई पोका बोइंग भी है। पोका बोइंग तो चल चुका है, सही हो चुका है, इसमें तो चल चुकी है। और भाई टॉप बोरर जो यो इक्कर का खराब हो जाता होगा, यो तो नहीं चलता होगा। फिर जो जिसकी कतई मर गया ऊपर, तो जिसमें आया और जिसमें पत्ते पत्ते में फिलहाल गोब में नहीं आया, उसकी तो उम्मीद चलने की है। पर जिसकी जो अगर गोब में आ गया और गोब उदन खाली गड़ा दी अंदर से खा चुकी है, फिर भाई टॉप बोरर वाला चलता नहीं, जो का तू रहा। इसका बहुत तकड़ा नुकसान है। गन्ना देखो मोटा था यो, और दवा खाद गिरोगे यो पूरी दवा खाद लेगा, पक्की रहेगा यो इतना ही। तो भाई इसमें अरे भाई सीएम भाई, इसमें कौन कौन सी दवाई का प्रयोग करा था? सभी किसान भाइयों को नमस्कार भाई। भाई पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्प्रे ही नहीं हुई थे गन्ने में। अच्छा, अब तक मतलब जब से जिस फार्मर का ये खेत है, हाँ, उस फार्मर ने आज तक कोई स्प्रे नहीं करवाया। अच्छा अच्छा, अब तक कोई स्प्रे नहीं करा था। अच्छा, तो इसमें करीबन 20 दिन पहले एजोक्सी प्लस टेबुकोनाजोल का स्प्रे हुआ। अच्छा, इसके लिए फंगस के लिए पोका बोइंग के लिए, खाली फंगस के लिए, और कोई दवा नहीं लगी फिगर के साथ में। ये अभी ध्यान रखना, मतलब फंगस की दवा सिंगल ही मारे, नहीं ज्यादा असर करे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर तो ये है कि भाई अगर टैंकर किसी के यहाँ मजदूरी पाया हुआ है, हाँ, फिर उसे भी पैसे देने हैं। हाँ, भाई तो समस्या है, तो वो समस्या है थोड़ी। तो इसमें हमने खाली गिरवाई थी। अच्छा, बोइंग की। हाँ, तो करीबन आज ये जो है 10-15 दिन हुए, हाँ, तो इसकी गोब जो चलने लायक थी मैं खोल दी। हाँ, नहीं ये पोका बोइंग वाले तो चल गए, बोइंग खत्म हो गया। हाँ, ये तो चल गया पोका बोइंग खुलने के बाद। अब देखो, हाँ, इसमें टॉप बोरर भी था। हाँ, टॉप बोरर भी आ रहा है भाई, इसमें पूरा बढ़िया वाला आ रहा है। इसमें ये टॉप बोरर था और ये इसमें से गोब निकल आई। हाँ, ये निकल क्यों आई? या तो इसकी सुंडी मर गई, हाँ, थी, और ये इस कंडीशन में था यो शुरुआत पहली स्टेज, पहली स्टेज की टॉप बोरर की, जैसे चल पड़ा। बहुत से भाई क्या कहते हैं कि टॉप बोरर को भी फोका बोइंग समझते हैं, वो अंतर नहीं है। इसे कहा जी गन्ना जो है टुंड हो गया। अच्छा, और जो है गलन आएगी और खुलने एक सबसे बड़ी यार, जो पत्ते में छेक हो रहे हैं ना, ये टॉप बोरर की पहचान। और जो हाँ, और जो भीतर तक काली निकल रही है, तो ये टॉप बोरर है, ये बस ध्यान रखना। अब पोका बोइंग तो भाई सबको पता ही है। और इसमें जैसे ये चल पड़ा, जैसे आपने ये देखा पहले, हाँ, पोका बोइंग आती है, अभी खुल का चल गया, चल गया ये। ये पोका बोइंग की पहचान है। अच्छा, ये सारी। अच्छा, अब ये चल गया। आज इसमें दोबारा से स्प्रे हुआ। अच्छा, आज किस चीज का करा? आज इसमें एजोक्सी प्लस टैबू। अच्छा, वही दोबारा रिपीट कर दिया। हाँ, नहीं उससे भी बड़े टेक्निकल आते हैं, स्टार्ट ऑफ वाला है, लेकिन उतने बड़े टेक्निकल की कोई जरूरत नहीं है। पोका बोइंग का अगर समय पर उपचार हो रहा है, ना भी हो तो तब भी मार दो, तो फंगस आती ही नहीं। तो आज जो है इसे और स्पीड मिल जाएगी। इसमें आज कीटनाशक, कीटनाशक कौन सा डलवाया आज इसमें? भाई घरडा कंपनी की जुगाड़ आती है। अच्छा, जुगाड़ का स्प्रे हुआ। अच्छा, घरडा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोफेना फाइबर की। हाँ, और प्लस इमा मैक्सीन। अच्छा, इसका स्प्रे हुआ। अच्छा, और फालतू और कोई दवाई नहीं है खंगी साइड। तो भाई ज्यादा दवाई का भी प्रयोग ना करे, बस ठीक ठाक समय पर करते रहा। सबसे बड़ी समय की बात है, समय पर करते रहा। आज इस तारीख है 15 अगस्त, और इसे आप 20 से 22 अगस्त में देखियो, अगर आपको गन्ना और अति अच्छी ग्रोथ में मिलेगा। अभी तो जो भी इस खेत को देखता है ये कहता है कि खत्म है। भाई जब से यो तो गन्ना नीचे से मुंडा है भाई, जब से इसमें 2 स्प्रे अब हुए, यो भी जब दिखा के खत्म हो लिया, तब जाकर बस स्प्रे करवाए। भाई इसके बारे में बताओ, इसमें आपने कौन कौन सी दवाई डाल ली थी? भाई दवाई तो आप कोई भी घेर लो, 38 गन्ने में जो खेल है वो समय का खेल है। भाई यो भाई का गन्ना, और गन्ना देखो नीचे से गन्ना मोटाई सारी सेम है, कोई ज्यादा छोटा गन्ना नहीं। अरे गन्ना लंबाई मोटाई सब जबरदस्त है, घिन का बढ़िया टोप वाला गन्ना खड़ा है भाई। देखो कते जैसा कहा था, सांप की मुंडी भी नहीं घुसती, ऐसा गन्ना हो रहा है भाई का। इसमें बता भाई कैसे करा इसमें? इसमें मोहित भाई बस यही है कि समय समय पर 3 स्प्रे लग चुके हैं। अच्छा, जून में लग गया था, जुलाई में लगा, अगस्त में लग गया। अच्छा, 27 अगस्त को भी इसमें जो है स्प्रे हुआ। अच्छा, अब इसमें चौथा स्प्रे लगेगा, क्योंकि आपको इसकी सिचुएशन दिख रही होगी। हाँ, पहली बार तो पोका बोइंग यही आ गया था। हाँ, ये देखो। हाँ, उसके बाद ये खुला। हाँ, ये दूसरी बार ही दूसरी स्टेज में यहाँ आया, ये आ गया। और इससे नीचे भी कहीं ना कहीं इसमें गलन थी, क्योंकि पोका बोइंग तो शुरू की स्टेज शुरू हो जा। हाँ, ये देखो
ये सब पक्का वो इनकी पहचान है, इसमें स्प्रे लगा तो बस ध्यान रखा के आने से पहले ही और अपना समय पर कर दो। ऐसा तो भाई 38 बीज को 20वें दिन से आ रही है। हां बस चाहे हल्का मार दो पर मार दो, इसमें तो दवाई मारो जाओ। जिस भाई का घर का टैंकर है 20वें दिन अपना कुछ भी घोड़ो, इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड, ग्रोथ प्रमोटर। और मैं तो ये कहूंगा भाई यूरिया का प्रयोग कम से कम करें। हां ये सबसे बड़ी बात है भाई। अरे स्प्रे में ही आप एनपीके हैं इन चीजों का उपयोग करो, लिक्विड डीएपी है 45 उसका उपयोग करो, कैल्शियम का करो, पोटास का करो, सब उर्वरक है आप स्प्रे के माध्यम से दो। तो भाई अपने गन्ने में टाइम समय समय पर दवाई का प्रयोग करें तो गन्ना जबरदस्त रहा, इसमें रोग नहीं आते। भाई बाद में फिर दवाई भी ज़्यादा लगानी पड़ती है और गन्ने का भी स्थिति खराब हो जाओ है। अब भाई जितने भाई वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।